अगर एक जुमले में मेरी जिंदगी की कहानी पूछी जाए तो बात यह है कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई जॉब। और जो 34 साल मैंने बच्चों के साथ गुजारे उनमें मेरी जिंदगी का निचोड़ ये था कि दादा दादी और माँ बाप ने ये बताया कि पाकिस्तान हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। और हमारी तब हम यंग जनरेशन थे और हमारा काम ये था कि हम मरीजों की खिदमत करें। और यकीन जानिए कि बच्चों के साथ इस अरसे में जब हमने ज़िंदगी गुजारी तो दो सोर्सेज मेरे लिए बहुत यूज़फुल थी। एक तो कुरान की तालीमात और सीरत मुबारका, और उनकी रोशनी में मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंस अख्तियार करूँ। और फिर MCPS और FCPS किया और एक मेडिकल ऑफिसर से होते हुए कंसल्टेंट तक पहुँची। और उसवे रसूल ने मुझे बहुत इंकरेज इस बात पे किया कि मैं मरीज़ की बीमारी मुआलिज के सलूक से दूर हो जाती हूँ। दवा में शिफा अल्लाह ताला का काम है, इल्म का हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में और मरीज़ों की दुआएं लेते हुए जब हम ये शोबा इख्तियार करते हैं तो उसका कोई बदल नहीं। और पूरे 34 साल इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में गुजारे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस बात पे कायम हूँ कि अभी हम और काम कर सकते हैं। तो यूथ के लिए इस पाकिस्तान के 14 अगस्त में मेरा मैसेज ये है कि अपने लोगों को अपनों ही की ज़रूरत होती है और अपने ज़्यादा अच्छा सलूक कर सकते हैं। वो उनके लोकल प्रॉब्लम्स भी समझते हैं, उनके मिथ्स से भी वाकिफ़ होते हैं, और जब हम उनकी खातिर उनसे दुआएं लेके घर लौटते हैं तो उस जैसी कोई और बात नहीं हो सकती। देयर इज़ प्लंटी इन दिस कंट्री, हमें इस मुल्क में रहना भी है और उसके लिए बेहतरी हमने ही करनी है इंशाल्लाह। और हमारे पास किताब व सुन्नत मौजूद, तो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को हरा भरा रखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी। जज़ाक अल्लाह।